नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जो आपाल चले। शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जो आज जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जेजेपी को अलविदा कहेंगे, पार्टी नेतृत्व को दिया मौखिक इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि मौखिक इस्तीफा पार्टी को दे दिया है पार्टी नेतृत्व में, और साथ ही अगले 3 से 4 दिनों में जेजेपी अध्यक्ष को देंगे लिखित में इस्तीफा। कौन सी पार्टी में शामिल होंगे ये साथियों के साथ मिलकर फैसला करेंगे। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह अब जेजेपी को अलविदा कहेंगे। पार्टी नेतृत्व को फिलहाल जो मौखिक इस्तीफा है वो दे दिया गया है और अगले 3 से 4 दिन में जेजेपी अध्यक्ष को भी अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इस वक्त ये बड़ी अपडेट, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह अब छोड़ सकते हैं पार्टी, क्योंकि उनकी तरफ से जो मौखिक इस्तीफा है वो दे दिया गया है पार्टी नेतृत्व को। साथ ही अगले 3 से 4 दिनों में जेजेपी अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा देंगे, क्योंकि करीब है अब लोकसभा चुनाव। पहले चरण का जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होना है, लेकिन उससे पहले लगातार पार्टियों के मध्य यहाँ पर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का जो सिलसिला है, दल बदल की जो राजनीति है वो लगातार देखने को मिल रही है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर महेश कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। महेश, अब जिस तरह से देखें कि चुनावी तारीखें लगातार नजदीक आ रही हैं, मुश्किल से 1 से 1.5 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी भी पार्टी के जो नेता मंत्री हैं, दल बदल की जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि अब जेजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि निशान सिंह की तरफ से जेजेपी को जो मौखिक इस्तीफा है वो दे दिया गया, लिखित इस्तीफा 3 से 4 दिनों में दे सकते हैं। देखिए, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह और वो ये कह चुके हैं कि मौखिक रूप से वो पार्टी नेतृत्व को ये कह चुके हैं कि वो जननायक जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं। हालांकि लिखित इस्तीफा देने में अभी 2 से 3 दिनों का वक्त और लगेगा, जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है जननायक जनता पार्टी के, उन्हें लिखित में इस्तीफा यहाँ पर सौंप दिया जाएगा निशान सिंह की तरफ से। निशान सिंह प्रदेश अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी नई पार्टी बनाई गई थी इंडियन नेशनल लोकदल से टूटने के बाद, एक नए दल का गठन हुआ था और नए दल में इंडियन नेशनल लोकदल से शामिल हुए थे यहाँ पर निशान सिंह, और प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी से उन्हें नवाजा गया था, लेकिन चुनावी राजनीति से वो बाहर हो गए थे, क्योंकि टोहाना विधानसभा क्षेत्र जो कि फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आता है, टोहाना विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर यहाँ जो देवेंद्र सिंह बबली है जो कि पंचायत और पंचायती राज मंत्री उन्हें बनाया गया था मनोहर सरकार में, तो वो सीधे सीधे जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उसके बाद उन्हें टिकट से नवाजा गया था और मंत्री भी जननायक जनता पार्टी के कोटे से देवेंद्र बबली को बनाया गया था। उसके बाद से ही जो नाराजगी है वो निशान सिंह में बढ़ती जा रही थी, क्योंकि चुनावी राजनीति से निशान सिंह बाहर हो चुके थे। अब जो बदला घटनाक्रम जननायक जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से हाशिए पे पार्टी नजर आ रही है और जिस तरीके से लगातार किसानों के विरोध का सामना यहां पर दुष्यंत चौटाला को करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आगे की परिस्थितियों को भांपते हुए निशान सिंह मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। मानकर चलिए कि जननायक जनता पार्टी से तो अलविदा हो चुके हैं निशान सिंह, कौन सी नई पार्टी में जाएंगे इसका इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि उनकी तरफ से जो बयान दिया गया उसमें ये कहा गया है कि अपने तमाम साथियों से, अपने तमाम समर्थकों से बातचीत वो करेंगे, क्योंकि एक लंबा राजनीतिक साथ इन तमाम साथियों का बना रहा है, तो ऐसे में उनके सलाह के बिना, उनकी जो है सिफारिश के बिना वो किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे में अपने साथियों से सलाह मशवरा वो करेंगे, उसके बाद ही आगे कौन से राजनीतिक दल में वो शामिल होंगे इसका खुलासा उनकी तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन आगे की उम्मीदें क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ संभावनाएं हो सकती है कि कौन सी पार्टी में वो जा सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो जिस तरीके की परिस्थितियां बनती नजर आ रही है हरियाणा प्रदेश में, मुझे लगता है कि कांग्रेस उनकी पहली पसंद हो सकती है। हालांकि यहां पर चूंकि जननायक जनता पार्टी छोड़ने की बात सामने आई है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपने ऑफर्स जरूर उन्हें डालने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक बेहतरीन सौदा, एक फायदे का सौदा यहाँ पर चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी निशान सिंह साबित हो सकते हैं, तो ऐसे में जरूर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी अपने ऑफर्स जो है देने की कोशिश निशान सिंह को करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैच होती नजर आ रही है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकते हैं जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह।
बिल्कुल, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि जब से बीजेपी और जेजेपी दोनों अलग अलग हुए हैं, यहाँ पर बीजेपी क्योंकि लगातार शुरुआत से कहती आई है कि मैं अपने सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारूंगी, और जिसकी वजह से दोनों पार्टियां अलग अलग हुई थी, अब दोनों अलग अलग ये चुनाव लड़ रही है तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, और कई जेजेपी के जो मंत्री है इससे पहले बीजेपी में भी शामिल हो चुके हैं। देखिए इतनी हालांकि अभी मंत्रियों के शामिल होने जैसी कोई भी बात जो है नहीं आई है। जननायक जनता पार्टी का कोई भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी में अभी तक शामिल नहीं हुआ है, और मंत्री तो अब कोई बचा भी नहीं है क्योंकि मनोहर सरकार में ही मंत्री बनाए गए थे, उसके बाद नायब सरकार में जननायक जनता पार्टी को गठबंधन से बाहर कर दिया गया था, तो उनके किसी भी विधायक को जो है मंत्री पद नहीं दिया गया था। लेकिन फिलहाल जो आपका सवाल है वो ये है कि गठबंधन टूटने के बाद से यहाँ पर एक फ्रेंडली मैच देखने की जो स्थिति है, जिस तरीके से बकौल कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस जिस तरीके से बयान दे रही है कि यहाँ पर फ्रेंडली मैच देखने को मिल रहा है, और जो है एंटी बीजेपी वोटों को खत्म करने की कोशिश, बांटने की कोशिश के लिहाज से जो है जननायक जनता पार्टी चुनावी मैदान में है, और जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जिक्र करें कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का, वो ये कह चुके हैं कि रिजर्व टीम है जननायक जनता पार्टी, तो जो इस तरह के बयान जो है पार्टी के संदर्भ में दिए जा रहे हो और जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा हो, तो यकीनन फिर जो भविष्य की राजनीति है उसको लेकर नेताओं का चिंतित होना लाजमी है, और जननायक जनता पार्टी में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा नेता जो है पार्टी छोड़ते हुए नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस का रुख करते नजर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है जेजेपी में भी, और अब जिस तरह से देखें कि जेजेपी के लिहाज से ये कितना बड़ा झटका है, जेजेपी को कितना बड़ा नुकसान है। देखिए फिलहाल तक तो जो अंदर का तूफान था वो रुका हुआ था, गठबंधन टूटने के बाद से दुष्यंत चौटाला साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका गठबंधन मजबूत, उनका जो संगठन है वो मजबूत है, लेकिन संगठन की मजबूती अब खुलकर सामने आ चुकी है, जब प्रदेशाध्यक्ष पार्टी छोड़कर जाते हुए नजर आ रहे हैं तो यकीनन जो नीचे का संगठन है वो भी अब बिखराव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब तक जो अंदर का धुआं था, अंदर का तूफान था, वो दुष्यंत चौटाला छिपाए हुए थे, लेकिन अब ये अंदर का धुआं छिपने वाला नहीं है, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से मैंने कहा कि परिस्थितियों के मद्देनजर जननायक जनता पार्टी की और भी कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, फिलहाल शुरुआत यहां पर बड़ी शुरुआत निशान सिंह की तरफ से कर दी गई है, और आने वाले दिनों में जननायक जनता पार्टी का जो पूरा संगठन है उसमें बिखराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो शेष नेतृत्व है यानी चौटाला परिवार को अगर छोड़ दे तो उसके बाद जो शेष नेतृत्व माना जाता था वो निशान सिंह को माना जाता था, अब निशान सिंह को अगर पार्टी में संभावनाएं नजर नहीं आ रही, भविष्य में अगर जननायक जनता पार्टी के लिए कोई संभावना अगर निशान सिंह नहीं देख पा रहे तो फिर नीचे के संगठन में भी वो मैसेज जाएगा और उसका असर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर मौखिक रूप से तो पहले ही पार्टी नेतृत्व को निशान सिंह की तरफ से बता दिया गया, अब से 3 से 4 दिनों में यहाँ पर वो लिखित तौर पर भी और औपचारिक जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा, आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब इसके बाद कहीं ना कहीं जो जेजेपी है इनमें फूट भी लगातार देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई ऐसे यहाँ पर बड़े मंत्री पद के जो नेता हैं उन पर भी लगातार जो सहमति है आगामी सीटों को लेकर, तो तमाम चीजें जो गणित है वो नहीं बन पा रहा है। देखिए फिलहाल तो इतना कहा जा सकता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह पहले नवरात्रि के दिन 9 अप्रैल को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, और सूचनाएं जो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जननायक जनता पार्टी के वर्तमान विधायक भी यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ जो है कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, तो ऐसे में जब विधायक जा रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष जा रहे हैं, तो यकीनन फिर नीचे के संगठन में भी बिखराव देखने को मिलेगा, परिस्थितियां ये बयां कर रही है कि जनता के विरोध का सामना भी दुष्यंत चौटाला को करना पड़ रहा है, तो ऐसे में भविष्य की राजनीति बेहद मुश्किल इस वक्त दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी के लिहाज से नजर आ रही है, तो ऐसे में यहाँ पर नेताओं के जाने का जो सिलसिला है वो आगे भी बढ़ता नजर आएगा। बिल्कुल महेश, क्योंकि जिस तरह से देखिए जो उनके बेटे हैं बीरेंद्र सिंह के, ब्रजेंद्र सिंह चौधरी ब्रजेंद्र सिंह, वो पहले ही बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो उनकी पिताजी हैं वो भी अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, इसके साथ ही उनकी माताजी पहले से ही कांग्रेस में है। देखिए प्रेमलता अब तक भी भारतीय जनता पार्टी में थे, सिर्फ ब्रजेंद्र सिंह
तो महेश, मैं तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमेश भट्ट भी जुड़े हुए हैं। रमेश, आप जिस तरह से देखे कि जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पार्टी से इस्तीफा उन्होंने मौखिक रूप से दे दिया है पार्टी नेतृत्व को, अब लिखित रूप से 2 से 3 दिनों के अंदर जो इस्तीफा है वो दे देंगे, कितना बड़ा झटका? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं विधानसभा के या जो लोकसभा के भी चुनाव होने, तो ऐसे में लेकर जो पार्टियां सभी बड़े नेताओं को जो जोड़ तोड़ रही है, तो ऐसे ही कड़ी में जो जेजेपी के नेता प्रदेश अध्यक्ष थे निशांत सिंह, उन्होंने आज मौखिक तौर पर अपनी पार्टी का इस्तीफा दिया है। वही निशांत सिंह का यही कहना है कि उनके द्वारा जो उनके कार्यकर्ता थे उनकी मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग के बाद जो है लिखित में अपना इस्तीफा पार्टी मुखिया को सौंपेंगे और उसके बाद आगामी रणनीति तैयार करके विचार विमर्श किया जाएगा कि वो आगे कौन सी पार्टी का दामन थामेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कौन सी पार्टी का दामन थामेंगे, लेकिन अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, तो क्या कुछ आगे रणनीति बन सकती है? देखिए, बिल्कुल, जो निशांत सिंह से हमारी बात हुई थी उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो सोशल मीडिया पे उनके द्वारा जो कांग्रेस ज्वाइन करने की जो बातें चल रही हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल जो उनके द्वारा जो कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, क्योंकि कार्यकर्ता भी उनका एक जो परिवार है उनसे राय मशवरा करने के बाद ही वो आगामी रणनीति तैयार करेंगे कि कौन सी पार्टी में वो जाएंगे और कौन सी पार्टी का दामन थामेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच रमेश, अगर देखा जाए तो जेजेपी के लिए ये कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा झटका माना जा रहा है निशांत सिंह का जेजेपी से जाना? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जब जेजेपी पार्टी का गठन हुआ था उसी समय से ही निशांत सिंह इनके साथ जुड़े हुए थे और एक अच्छे पद पर जो प्रदेश अध्यक्ष का पद जो इन्हें मिला हुआ था जेजेपी में, लेकिन आज जिस प्रकार से जेजेपी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है और निशांत सिंह तो आज मौखिक तौर पर तो अपना इस्तीफा पार्टी को दे चुके हैं, लेकिन आज शाम कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने के बाद लिखित तौर पर भी आज इस्तीफा अपना पार्टी को सौंप देंगे। जी बिल्कुल रमेश, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि इससे पहले ही दोनों का गठबंधन टूट चुका है बीजेपी और जेजेपी का, और दोनों ही अलग अलग यहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और सभी सीटों पर अब बीजेपी की तरफ से भी अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे, तो वहीं जेजेपी की तरफ से तो कहीं ना कहीं जो वोटों में कटौती है वो भी साफ तौर से देखने को मिलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।